नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको बता दूं कि अभी जो है चैनल काफी फास्ट ग्रो हो रहा है, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो जो है आपको मिल पाए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सवाल आपके हैं, जवाब मेरे हैं, यानी कि कमेंट सेक्शन में आप जो सवाल पूछते हैं उन्हीं में से मैंने कुछ सवाल यहाँ पे आज लिए हैं और उनके आंसर मैं आपको देने वाला हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी किसी सवाल का जवाब दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब जो है आने वाले हफ्ते में भी कभी ना कभी मिल ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला सवाल है हमारा रोहन लवंडे का। इनका कहना है कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर और नेटवर्क इंजीनियर में क्या डिफरेंस है। सवाल जो है यहां पे बहुत ही आसान है। टेक्निकल सपोर्ट और नेटवर्क इंजीनियर के बीच में जो डिफरेंस होता है, पहले बात करते हैं कि नेटवर्क इंजीनियर कहते किसको हैं। नेटवर्क इंजीनियर वो इंजीनियर्स हैं जो नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड जो इशू आते हैं उन्हीं को रिजॉल्व करते हैं, यानी कि उनको एंड यूजर, जैसे कि ये सपोज कर लो ये डेस्कटॉप है, अब ये लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, अगर मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये नेटवर्क इंजीनियर का काम नहीं है कि वो इस नेटवर्क को इस पीसी को आके चेक करे, या इस पीसी को या इस लैपटॉप को आके चेक करे कि ये लैपटॉप या ये जो पीसी है वो नेटवर्क पे क्यों नहीं आ रहा है। अगर पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है, नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, डेटा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क से स्पीड जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जब मल्टीपल यूजर की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन यूजर्स की कंप्लेन के बेस के ऊपर जो है जो एक काम करता है इंजीनियर नेटवर्क के ऊपर, यानी कि स्विचेस के ऊपर काम करता है, केबल्स के ऊपर काम करता है, जो उनके फायरवॉल सिस्टम्स वगैरह लगे हुए हैं उनके ऊपर काम करता है, उसको कहते हैं नेटवर्क इंजीनियर। अब बात करते हैं सपोर्ट इंजीनियर किसको कहते हैं। सपोर्ट इंजीनियर बेसिकली एंड यूजर के साथ में काम करता है। से फॉर एग्जांपल, मैं एक आपका स्टाफ हूं एक कंपनी का, और मैं एक लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मुझे इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं किसको बताऊंगा, सपोर्ट इंजीनियर को बताऊंगा, चाहे वो नेटवर्क से रिलेटेड हो, अगर नेटवर्क इस पे कोई इशू आ रहा है, बाकी पूरे स्मूथ चल रहे हैं लेकिन मेरे इस लैपटॉप के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सपोर्ट इंजीनियर जो है चेक करेगा, ना कि नेटवर्क इंजीनियर चेक करेगा। मेरे इस सिस्टम के अंदर जो है स्पीड स्लो हो रही है तो मैं सपोर्ट इंजीनियर से बात करूंगा, ना कि नेटवर्क इंजीनियर से बात करूंगा। अब मेरे यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डला है उसमें कोई इश्यूज आ गए हैं तो वो जो है सपोर्ट इंजीनियर ही मेरी हेल्प करेगा, ना कि नेटवर्क इंजीनियर यहाँ पे काम करेगा। तो यही डिफरेंस है। सपोर्ट इंजीनियर जो है वो हमेशा एंड क्लाइंट के साथ जो है काम करता है, उनके डेस्कटॉप उनके लैपटॉप्स में अगर कोई इश्यूज आते हैं उसको जो है सॉर्ट आउट करता है, जबकि नेटवर्क इंजीनियर जो है वो एंड क्लाइंट के साथ में काम नहीं करता है, वो पूरे नेटवर्क के अंदर आने वाले इश्यूज को जो है रिजॉल्व करता है, ट्रबल शूट करता है, उसको क्लियर करता है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंजीनियर। सो दोस्तों, आई होप कि रोहन जी आपको जो है आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसके बाद हमारे पास सवाल आया है एके सहाय की तरफ से। इनका कहना है कि व्हील एंड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो विद इन एक बिल्डिंग, तो डेफिनेटली वो चीज पॉसिबल है, मैंने करके दिखा है, लेकिन अगर मुझे एक सिटी में एक व्हील एंड है, वही व्हील एंड मैं दूसरी सिटी के अंदर भी चलाना चाहता हूं, तो क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि हाँ पॉसिबल है। आप एक ही नेटवर्क आप मल्टीपल सिटीज के अंदर अगर चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको थर्ड पार्टी का यूज लेना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि आप खुद का नेटवर्क अगर आपका है एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में तब तो कोई इशू है नहीं है। अगर एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में आपका खुद का नेटवर्क नहीं है तो वहां पर ये चीज कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको थर्ड पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। आई होप कि आपको जो है MPLS का नाम आपने सुना होगा। MPLS के जरिए जो है ये चीजें पॉसिबल हैं,
कि आप जो है एक ही नेटवर्क को जो है दोनों सिटीज के अंदर से हैंडल कर सकते हो। अगर एक सिटी में आपका सर्वर पड़े हुए हैं और दूसरे सिटी के अंदर जो आपके ऑफिस वाले हैं वो अगर आपके उसी कॉमन सर्वर को यूज करना चाहते हैं, वो भी लोकल नेटवर्क के ऊपर, लोकल आईपी एड्रेसेस के ऊपर, तो दैट इज पॉसिबल थ्रू दी MPLS। और अगर आपका MPLS नहीं करना है क्योंकि उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगती है, तो यहां पे आप जो है आपको VPN का सपोर्ट लेना पड़ेगा, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है दोनों साइड पे राउटर लगाने पड़ सकते हैं, उसके लिए आपको दोनों साइड पे फायरवॉल लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि फायरवॉल्स के जरिए भी VPN बनते हैं और राउटर के जरिए भी आप VPN जो है बना सकते हैं। तो वहां पे जो है ये आप ऑप्शन आपको मैंने बता दिए किस किस तरह से ये पॉसिबल है, तो आप डिसाइड कर लें। आपको जो है अगर नेटवर्क है आपका खुद का एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में, तब तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अगर नहीं है तो आप MPLS का यूज कर सकते हैं। अगर MPLS महंगा पड़ रहा है तो आप फायरवॉल्स का इस्तेमाल करके दोनों साइड पे VPN क्रिएट कर सकते हैं, या राउटर का लगा के दोनों साइड पे VPN क्रिएट करके ये नेटवर्क जो है चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जॉयल डियाजा की तरफ से। उनका कहना है, आई एम दी ओनली दैट expected this guy to speak in English. So, Mr. Joel, it's not that you are wanted me to, you know, speak in English. Some other people are also requesting for the same, so that I can make videos in English. The reason I make videos in Hindi regarding because my target audience is in India and Pakistan and the Bangladesh. Because here generally people speak in Hindi and they understand technical things in Hindi very easily. So to help those people or to educate those people, I'm you know making this entire content into Hindi. But as you and some other people are requesting to you know create content in English as well. So the reason I'm not able to create in English because I'm the only person who is you know creating, shooting, editing, uploading and managing entire thing. So it's a little bit difficult for me to take out time to make 4 videos every day. Reason being every day I'm providing 2 videos in Hindi. So every video take 4 to 5 hours to you know shoot, creating script, editing, uploading, then handling entire thing. So it will take around 4 to 5 hours for each video, and if I'm making 2 videos every day, so almost 8 to 9 hours every day I'm spending on these 2 videos. So if I really need to create the same videos in English, so I need to have someone with me, so who can you know after shooting they can edit, they can you know upload things. So maybe definitely it's not that I'm saying no to it. Definitely I will create in content in English, but I need some time till the time my team is available with me. So around another 6 months after that, definitely someone will be there with me, and I will definitely try to make content in English as well. So next जो क्वेश्चन है हमारा वो है संदीप पंचाल की तरफ से। सो इनका कहना है, सर प्लीज मेक वीडियो ऑन कोर स्विचिंग। अब कोर स्विचिंग के लिए जो है वीडियोस मैंने ऑलरेडी संदीप बना के रखे हैं। आई डोंट थिंक कि आपने वो देखे होंगे, अगर देखे हैं तो देख लीजिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस यू नीड इन कोर स्विचिंग, तो आप मुझे वापस से कमेंट में पूरा डिटेल के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, या ईमेल आप मुझे कर सकते हैं एट माई ईमेल आईडी gmail.com जो कि आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां पे कर दें तो आपको मैं डेफिनेटली उस कोर स्विचिंग के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है दुर्गादास बराई की तरफ से। इनका कहना है कि सर प्लीज मेक वीडियो वन ऑन सिंगल पॉइंट टू मल्टीपल पॉइंट IPsec VPN टर्नल। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ही जल्दी ये मिल जाएगा, तो क्योंकि अभी यही सारी चीजें चल रही है तो मैं दे दूंगा आपको वीडियो। अगला कमेंट जो है वो हमारा है MD वसीम की तरफ से। इनका कहना है कि सर प्लीज क्रिएट अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम, बिकॉज व्हाट्सएप पे बहुत ही कम लोग जो है वो ज्वाइन कर पाते हैं और ग्रुप जो है फुल हो चुके हैं। आई नो
वसीम लेट मी टेल यू कि ये सारी चीजों से मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही मैंने एक फोरम बनाया है मेरी खुद की वेबसाइट के ऊपर जो कि है nirankariinfotech.com के ऊपर आपको जो ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। तो आप जो है मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे ये ग्रुप जो है आपको क्रिएट करेंगे, फोरम क्रिएट करी गई है, तो आप जो है वहां पे जाके उस ग्रुप वहां पे हमारे फोरम के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो वहां पे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे नॉट ओनली मी अदर पीपल एज वेल कैन ज्वाइन एंड वहां पे वन टू वन डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और देयर इज नो लिमिट कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप ही चाहिए है, आप जो है वहां पे आज जाकर सारी चीजें कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है बीजापुर से, अब ये वेकेंट तेज विजापुर जो है, अब इनका कहना है कि क्रिएट वाईफाई केबल हेडेंट एंड इट्स अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। अब कॉस्ट की या हेडेंट क्रिएट करने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वाईफाई का आप कितना नेटवर्क लेके चलना चाहते हैं, क्या नेटवर्क रहेगा, कितना आपके पास डिवाइस रहेंगे, उस हिसाब से ही पूरा जो नेटवर्क रैक है वो डिजाइन होता है। और आपकी क्या सिक्योरिटीज आप करना चाहते हो, किस तरह का आप नेटवर्क जो है क्रिएट करना चाहते हो, उसी के बेस के ऊपर इक्विपमेंट फाइनल होते हैं, उसी के बेस के ऊपर जो है आपकी कॉस्टिंग जो है वो पूरी कैलकुलेट होती है। तो मुझे आइडिया नहीं है कि आपका वाईफाई जो नेटवर्क आप रेडी करना चाहते हो तो वो कितना बड़ा करना चाहते हो, किस बेस के ऊपर करना चाहते हो, अगर आप वो मुझे एक्सप्लेन कर दे तो आपको डेफिनेटली मैं ये सारी चीजें बता दूंगा कि उसकी क्या अप्रोक्स कॉस्ट आपको लगेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा मयंक सिंह की तरफ से, इनका कहना है हमारे पास दो स्विच हैं और दोनों के अंदर नेटिव वीलैन जो है डेवलप बना हुआ है, तो ये दोनों स्विच जो है आपस में ट्रंक पोर्ट के जरिए जो है विदाउट ट्रंक पोर्ट जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली यार ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्को के अगर आप स्विचेस की बात करें तो वहां पे बाय डिफॉल्ट नेटिव वीलैन जो है आपको मिलते हैं, अगर आप जो है उन दोनों के विदाउट ट्रंकिंग पोर्ट अगर आप कोई भी अपलिंक देते हो तो आप जो है वहां पे कम्युनिकेशन जो है करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अगर अपना नेटिव वीलैन नहीं है तो आप अगर वीलैन भी क्रिएट करते हो वहां पर भी आप जो है ट्रंक पोर्ट का इस्तेमाल ना करके आप जो है डायरेक्टली अपलिंक देते हो तो भी जो है आपका यहाँ पे यो कम्युनिकेशन जो है वो हो जाता है। सो दोस्तों आई होप कि ये जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के सेलेक्ट किए थे आपके जवाब देने के लिए। आई होप कि सबको जो है आपके जवाब मिल चुके होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल रह गया है या फिर आपका कोई सवाल जो है मैं आंसर नहीं कर पाया हूं तो आप मुझे वापस से कमेंट कर सकते हैं और आने वाले वीडियो के हफ्ते के अंदर डेफिनेटली आपके सवालों को जो है वापस मैं ले लूंगा और जो है एक वीडियो आपको मिल जाएगा जहां सवाल आपके होंगे जवाब मेरे होंगे। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। और जाने से पहले वीडियो को एंड करने से पहले वापस रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि अभी जो है चैनल काफी फास्ट ग्रोथ कर रहा है, तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो आप जो है जल्दी से नीचे साइड पे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा जिसपे ऊपर लिखा होगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उसके साथ ही आपको एक बेल का आइकन दबाना है और बेल का आइकन दबाने से क्या होगा आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, आने वाले वीडियो तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।